दोस्तों आपने कई बार ये जरूर सुना होगा कि सांप अक्सर चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं। तो आपको बता दें कि ये बिल्कुल सच है, सांप सिर्फ चंदन के पेड़ पर ही नहीं बल्कि रजनीगंधा और चमेली जैसे पेड़ों पर भी रहना पसंद करते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि सांप खुशबू की वजह से इन पेड़ों पर लिपटे रहते हैं क्योंकि सांपों को ये खुशबू आकर्षित करती हैं। आपको बता दें कि विज्ञान ने यह साबित कर चुका है कि सांपों के पास सूंघने की शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। सांप अपने नोस्ट्रिल यानी कि दोनों नथुने और साथ ही साथ जीभ के ऊपरी हिस्से से भी सूंघ लेते हैं। मतलब जब कोई सांप जीभ निकाल कर लपलपाता है तो किसी को डराने की कोशिश या काटने की कोशिश नहीं बल्कि वो चीज़ों को सूंघता है और सूंघ कर इन पेड़ों के पास पहुँचता है। लेकिन सांप इन पेड़ों पर सिर्फ खुशबू के लिए नहीं जाता। आपका कहना ये होगा कि सिर्फ सुगंध के लिए नहीं जाते हैं तो फिर जाते क्यों हैं? चंदन के पास ही क्यों जाते हैं, रजनीगंधा के पास ही क्यों जाते हैं? तो देखिए, जो सांप होता है वो पाइक्लोथर्म होता है यानी कि कोल्ड ब्लडेड स्पेसीज होता है, इनका खून ठंडा होता है। तो जो चंदन की लकड़ी का टेम्परेचर होता है, जो रजनीगंधा का टेम्परेचर होता है, दूसरे पौधों की अपेक्षा कम होता है। इसलिए ये जो सांप है उसमें लिपट करके अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो सांप इन पेड़ों में क्यों लिपटे रहते हैं, इसका एक और कारण है कि चंदन या रात रानी जैसे पौधे से निकलने वाली खुशबू कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं और इन पेड़ों पे काफ़ी मात्रा में कीट पतंग आते हैं तथा छोटी छोटी पक्षी भी आती है और ये छोटे पक्षी और कीट पतंग इन सांपों का आहार बन जाते हैं। और इसीलिए सांप जो है अपना खुराक पाने के लिए, अपना आहार बनाने के लिए इन पेड़ों के आसपास मंडराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, चंदन से जुड़ी कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चंदन की लकड़ी को सबसे महंगी लकड़ी माना जाता है। इसका बाजार मूल्य जो है 26,000 से 30,000 प्रति किलो है, यानी कि एक पेड़ से किसान को 15 से 20 किलो लकड़ी आराम से मिल जाता है। ऐसे में वह किसान एक पेड़ से कम 5 से 6 लाख रुपए आराम से कमा लेता है। दोस्तों, उत्तर भारत में सफ़ेद चंदन की सबसे ज़्यादा खेती होती है क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है उसका पीएच होता है 7.5, जो कि सफ़ेद चंदन के लिए सूटेबल होता है। वहीं अगर दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा लाल चंदन की खेती होती है क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी है उसका पीएच होता है 4.5, जो कि लाल चंदन के लिए सूटेबल होता है। इसकी लकड़ी का उपयोग मूर्ति, साज सज्जा के चीज़ों, हवन करने और अगरबत्ती बनाने के साथ साथ अन्य कामों में भी उपयोग किया जाता है। वहीं इसके तेल का उपयोग परफ्यूम बनाने और आरोमा थेरेपी के लिए भी किया जाता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जब चंदन के पेड़ से सांप हमेशा लिपटे रहते हैं तो फिर उसको काटा कैसे जाता है, उसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, जो सांप होते हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते, वो स्टेम वाली भाग में पाए जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशबू स्टेम से निकलता है। और हमें क्या है, ब्रांचेस की ज़रूरत होती है, हम ब्रांच को काटते हैं जो अलग से काट सकते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि फिर फूलों के पास सांप क्यों नहीं रहते? तो देखिए, चंदन के पेड़ से खुशबू आता है लेकिन चंदन के फूलों से खुशबू नहीं आता।